नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि जैसा हमने थंबनेल और टाइटल से आपने जान ही लिया होगा कि आज का वीडियो क्या है। अब तो आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आज का वीडियो यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। मगर मेन टॉपिक है आज, यूट्यूब पे एक मोनेटाइजेशन का अपडेट है, उसको आप वीडियो को लास्ट तक देखना है फ्रेंड। मोनेटाइजेशन का ये अपडेट है, यूट्यूब का अपडेट है, आपको क्या करना है। अगर आप ये मिस करेंगे तो आपके मोनेटाइजेशन पर फ़र्क पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी अपडेट है कि जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि कैसे आपको वीडियो को अपलोड करना है। सारी चीज़ें मैं फ्रेंड्स शुरू से लेकर के लास्ट तक बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको अपलोड करना है तो आपको जाना है प्लस के आइकन पे यूट्यूब, तो अपलोड वीडियो क्लिक करना है। मैं ये शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, जिनको पता है फ्रेंड तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर ज़रूर आप जा करके लास्ट में वीडियो देखिए कि उसमें क्या नया अपडेट आया है। मैं अपडेट विद प्रूफ देने वाला हूँ, पूरी वीडियो लोड करके आपको दिखाऊंगा और लास्ट में जो अपडेट का सिस्टम है मैं वो अपडेट करके आपको वो सिस्टम अपडेटिंग आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। वो सभी यूट्यूबर्स जानते हैं, पर वीडियो अगर आपको नए यूट्यूबर्स हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए सेलेक्ट फाइल करना है, जहाँ पर आपकी फाइल है आप अपने फाइल को देंगे। तो हमारी फाइल यहाँ पर रखी हुई है फ्रेंड्स, ये हमारी फाइल है। अब फाइल को देने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा और सारी चीज़ें विथ प्रूफ लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें फ्रेंड्स। तब यहाँ पे आपको देखिए मैं क्या क्या बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक टाइटल जाना है जो कि आपका बेस्ट टाइटल हो। जरूरी नहीं है कि आपका वीडियो ख़राब हो और टाइटल आप अच्छा डाल दो, तो ऐसा नहीं है। आपके टाइटल के साथ साथ वीडियो का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन डालना है जो आपने वीडियो के पर्पज़ से बनाई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप, अपना एक थंबनेल सेट करना है, जो कि मैं सारी चीज़ करूँगा उसके बाद दिखाऊँगा। वीडियो थोड़ी स्किप करूँगा जिसमें सारी डिटेल को मैं फिलअप करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको थंबनेल अपना डालना है। थंबनेल डालने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नो करना है फ्रेंड। सारी चीज़ें मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर आपको मोर ऑप्शन पर जाना है। मोर ऑप्शन के जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे जाने के बाद, क्योंकि आप ये वीडियो देख लेंगे जो नए हैं वो बिल्कुल भी तरीके से सीख जाएंगे कि हमें एक वीडियो को कैसे अपलोड करना है और एक अच्छा खासा कैसे व्यू लाना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको आपको टैग डालना है। टैग डालने के बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, तब जाके नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं जो जो मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने फटाक से कर देना है, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख सकते हैं मैंने अपना टाइटल डाल दिया है, मेरा चैनल मोबाइल का एफ आर पी रिमूव है, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद फ्रेंड्स मैं बताऊँ, एक थंबनेल भी बहुत अच्छा सा सेट कर दिया है जो कि अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कि आपका वीडियो देखना ही देखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि किड्स मोड नहीं करना है, क्योंकि अगर किड्स मोड कर देंगे तो ओनली बच्चे देख पाएंगे। यहाँ पर आपने टैक्स डाल देना है, मैंने जैसा कि टैक्स डाल दिया हुआ है। टैक्स डालने के बाद फ्रेंड मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स डालने के बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप क्या करना है आपको। अगला स्टेप ये सारी चीज़ें रहने देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है अपनी कैटेगरी लेनी है, जिस कैटेगरी की फील्ड से आप वीडियो डाल रहे हैं, किड्स जो भी आप डाल रहे हैं उस कैटेगरी को आपको चूज़ करना है। उसके बाद कमेंट को हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हैं, हम कमेंट को हाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पे एस या नो का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज है फ्रेंड, तो मैंने यस करना है, मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपका व्यू और सब्सक्राइबर को बढ़ाता है, तो ये एंड स्क्रीन लगाना है। मतलब आपका जब वीडियो लास्ट तक कोई देखता है तो आपके एंड स्क्रीन पर जैसे ही कोई वीडियो ना चाहते हुए भी देखना चाहे तो देख सकता है। और एड कार्ड जो आपके आइकन बन के ऊपर आकर आई बन के आइकन बन के ऊपर आता है फ्रेंड्स, वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूंगा और मैं ये दोनों को अपलोड करके फिर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसमें मैं एक वीडियो डालूंगा और इसमें आप आई आइकन में भी एक वीडियो डालूंगा। दोनों पे अपना चैनल प्रमोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एंड स्क्रीन भी लगा दी है और एड कार्ड्स भी लगा दिया है, ये देखिए हमारा दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, जो अपडेट की बारी आती है। अब अपडेट, फाइनली अपडेट जो मैंने आपको ये वीडियो का मोटिव था, जो अपडेट बताने का मोटिव था ये था फ्रेंड्स। आप यहाँ से देख सकते हैं सेव योर वीडियो प्राइवेट
करना है, सबसे पहले आपको पब्लिश नहीं करना है। क्या पता आपका चैनल, अगर आपका वीडियो आपका कंटेंट मोनेटाइज के लिए लेवल ना हो, अगर आप वीडियो को डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आपका चैनल वेरीफाई होते होते जब तक आपका चैनल के व्यू, अगर आपके अच्छे व्यू हैं, 1000 2000 व्यू आ जाते हैं तो वो बेकार हो जाएंगे फ्रेंड्स। मतलब कि पहले आपको प्राइवेट करना है, उसके बाद ही आपको, पहले आपको प्राइवेसी कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, जब तक आपका चैनल वेरीफाई ना हो जाए, जब तक मोनेटाइजेशन वेरीफाई ना हो जाए फ्रेंड। तो यही था, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पब्लिश करके पब्लिश कर देते हैं, मगर आपको वीडियो अपलोड करते समय आपको डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको पहले करना है, प्राइवेट कर देना है, या आप अनलिस्टेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप प्राइवेट कर सकते हैं या आप अनलिस्टेड कर सकते हैं, जो कि ये अपडेट साफ साफ लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन रिमूव, दिस हेल्प योर मोनेटाइजेशन, यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है फ्रेंड, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको या तो प्राइवेट या तो अनलिस्टेड करना है, तब जाके आपको, जब आपका ये वेरीफाई हो जाए, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। मैं फ्रेंड्स अभी इसको प्राइवेट कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अगर ये मेरा कंटेंट सही होगा तो मोनेटाइजेशन तुरंत इनेबल हो जाएगा, नहीं तो चेकिंग के लिए जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। हमने सेव कर दिया फ्रेंड्स, प्राइवेट करके सेव कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा चैनल चेकिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं सारी चीज़ें विद प्रूफ आपको विद प्रैक्टिकल दिखाएं फ्रेंड्स। आयो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा डायरेक्ट ऑन हो गया है, पर ये डायरेक्ट ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आपका पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो फ्रेंड्स, ये आपका डायरेक्ट ऑन नहीं होगा, आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे चेकिंग लिख करके आएगा, अगर आपका कंटेंट कोई भी दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे चेकिंग लिख करके आएगा, ऑन डायरेक्टली नहीं होगा। बट अगर डायरेक्टली ऑन होता है, अगर वहाँ पे चेकिंग करके लिख के आता है, तो अगर आपने पब्लिश कर देना है तो जो शुरू के आपके जो एड्स चलने हैं वो आपका एड्स नहीं चलेगा, वो आपका बेकार हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मगर हमारा डायरेक्टली ऑन हुआ है, तो मैं फ्रेंड्स इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये डायरेक्टली फोन एड्स हमारा ऑन है, कि जैसे हमारा कोई वीडियो देखेगा हमारे चैनल पे एड्स उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब हमारा कंटेंट एकदम क्लियर है, हमारे कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो जैसा देख सकते हैं, ये हमारा चैनल पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे अब कोई भी हमारे चैनल को देखेगा, हमारे वीडियो को देखेगा, उसमें ऐड सक्सेसफुली दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मैंने शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें बनाई हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक अपलोडिंग की वीडियो बना दी और एक अपडेट दिया है कि मोनेटाइजेशन पे अपडेट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड करेंगे तो यहाँ पे चेकिंग, मोनेटाइजेशन चेकिंग करेगा कि आपका ये जो कंटेंट है एक्चुअल जेनुअन है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको या तो अनलिस्टेड करना है या तो इसको प्राइवेट करना है। तो हमने इसको प्राइवेट करके वीडियो डाली थी, पर हमारा मोनेटाइजेशन 100% सही है। तो ये हमारा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।